फोन बहुत हिट किया। ईशान भाई दिनेश का भी बर्थडे आ रहा है। हैप्पी बर्थडे ईशान। बॉलीवुड एक्टर और शाहिद कपूर के छोटे भाई ईशान खट्टर आज 1 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे तो ईशान खट्टर ने जानवी कपूर के साथ फिल्म धड़क से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि ईशान ने काफी कम उम्र में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत कर ली थी। वो फिल्म लाइफ हो तो ऐसी में नजर आए थे। दोस्तों आपको बता दें, ईशान खट्टर का जन्म 1995 में नीलिमा आजमी और अभिनेता राजेश खट्टर के घर हुआ था। राजेश खट्टर और नीलिमा आजमी ने 1990 में शादी की थी, लेकिन उनकी शादी महज 11 साल ही चली। इसके बाद दोनों का तलाक हो गया। आपको बता दें, ईशान खट्टर शाहिद कपूर के छोटे भाई हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई से ही की थी और महज 10 साल की उम्र में अपने अभिनय करियर की शुरुआत कर ली थी। एक्टिंग में अपना हाथ आजमाने से पहले ईशान खट्टर ने फिल्म हाफ वीडियो में सह निर्देशक के रूप में भी काम किया है। आज ईशान खट्टर ने अपना बर्थडे कैटरीना कैफ और सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ सेलिब्रेट किया। दरअसल इस वक्त कैटरीना, सिद्धांत और ईशान अपने आने वाली फिल्म फोन बूथ के प्रमोशन में काफी बिजी हैं, और इसलिए ईशान का बर्थडे भी काफी वर्कहोलिक रहा। उन्होंने अपने को-स्टार्स के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आओ आप लोग, एक एक करके आइए। आओ आप लोग भी आना। सर गाना वाले में लेके ये भाई नो कोई समित एक मोबाइल पीछे ले सौरव। ये भाई नो कौन प्लीज सौरव मोबाइल पीछे ले। भाई शप्पद हाँ तुला क्या दो एक ये ब्यूटी का है क्या केक ब्यूटी हेयर में बाकी रहेगा बे तुम्हारे लिए तुमने लगा ही अभी तेरे पैसे का हेयर में सामने सामने से कह रहा हूँ। 1, 2, 3 बोलिए। पागल है। ईशान का कहना है कि उन्हें मिडिल क्लास फैमिली वैल्यूज पर काफी गर्व है। वो कल्चर, सिनेमा, परफॉर्मिंग आर्ट्स के बीच पले बड़े हैं, इसलिए उन्होंने खुद को आर्टिस्ट के रूप में तैयार किया। ईशान की पढ़ाई लिखाई मुंबई से ही हुई है और उन्होंने शामक टावर की डांस एकेडमी से डांस भी सीखा है। ईशान ने 2005 में अपने बड़े भाई शाहिद कपूर की मूवी वाह लाइफ हो तो ऐसी से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। वो 2016 में फिल्म उड़ता पंजाब में अभिषेक चौबे के असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुके हैं। 2017 में ईशान ने हाफ वीडियो में डायरेक्टर दानिश रेंजू के असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में भी काम किया है, और इसी साल बियॉन्ड द क्लाउड्स फिल्म से डेब्यू करने का मौका मिला। फिर वो जानवी कपूर के साथ फिल्म धड़क में नजर आए। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ईशान खट्टर। एंटरटेनमेंट से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।